मुहकी खाने वाला पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर में बीते दिनों एक के बाद एक आतंकी घटनाओं ने सीमा पार से हो रही घुसपैठ के खतरों की ओर से फिर से आगाह किया है। आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच ये आतंकी हमले बताते हैं कि आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में आम लोगों में खौफ पैदा करने में जुटे हैं। करीब 6 साल से लोकतांत्रिक सरकार के इंतजार कर रहे कश्मीर में लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं ने जिस तरह का उत्साह दिखाया, उससे भी आतंकी संगठन और उनके आका बौखलाए हुए हैं। लेकिन इस बीच खबर है कि उत्तरी कश्मीर के गुरेज सेक्टर में बीते शनिवार को एलओसी पर संघर्ष विराम की आड़ में नए बंकर तैयार करने के पाकिस्तानी सेना के षड्यंत्र को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। भारतीय सेना के बंकर निर्माण पर एतराज जताने के बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की। भारतीय जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई न कर सिर्फ पाकिस्तानी बंदूकों को शांत कर दिया बल्कि निर्माण भी रुकवा दिया। इसके बाद एलओसी पर तनाव पैदा हो गया। सेना ने सभी संबंधित फील्ड कमांडरों को किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने संघर्ष विराम के उल्लंघन को लेकर देर शाम तक कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया था। पाकिस्तान की तरफ से की गई इन हरकतों से साफ पता चलता है कि कंगाल मुल्क पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ समिट को लेकर पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया है कि उसे रास नहीं आ रहा है। दरअसल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अक्टूबर में आयोजित होने वाली शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। लेकिन एस जयशंकर ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का दौर खत्म हो गया है, अब उसे उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। जयशंकर के इस बयान पर पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान ने कहा है कि कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विवादित मुद्दा है, इसका समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के तहत किया जाना चाहिए। मतलब साफ है कि एक तरफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हवाला दे रहा है, वहीं दूसरी ओर नापाक हरकत कर रहा है।